स्टोरी विद बिनाका, सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए, हाजिर है उत्तराखंड की लोक कथा देवदार और उमा। चमोली में एक छोटा सा गांव है देवदरन डोरा। कई साल पहले की बात है, इसी गांव में भवानी दत्त नाम के एक पुरोहित रहते थे। वे गांव के शिव मंदिर के पुजारी थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था उमा। उमा अपने पिता के समान ही धार्मिक स्वभाव वाली थी। वो रोज अपने पिता के साथ मंदिर जाती। मंदिर की साफ सफाई के बाद वो शिव की पूजा करती, प्रतिदिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाती और इसी के साथ शिवलिंग पर मंदार के फूल भी चढ़ाती। इन फूलों को लाने के लिए वो नित्य जंगल जाती थी। छोटी सी उमा जब मंदार के फूल तोड़ने के लिए अपने पंजों के बल उचकती तो पेड़ की डालियां अपने आप ही झुक जाती थी। उमा को जंगल बहुत भाता था। सघन देवदार के पेड़ों की छाया में बैठना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे जंगल के चीड़ के पेड़ों से बहुत लगाव था। उमा ने अपने घर के आंगन में भी एक देवदार का पेड़ लगाया था और वो उसमें नियम से प्रतिदिन पानी डालती। पौधे को बढ़ते देख उसे बहुत खुशी होती। नित्य की भांति एक दिन उमा अपने पिता के साथ मंदिर जा रही थी, तभी सामने से जंगली हाथियों का झुंड आता दिखाई दिया। उमा डरकर अपने पिता से चिपट गई। पिता ने प्यार से उसे समझाया, बेटा डरो नहीं, ये हाथियों का झुंड जंगल में घूमने आया है। लगता है इन हाथियों को भी हमारी तरह जंगल के देवदार पसंद हैं। थोड़ी देर में ये चले जाएंगे। मंदिर में पूजा करने के बाद उमा रोज की तरह जंगल की ओर चली गई, लेकिन काफी देर तक नहीं लौटी तो भवानी दत्त को चिंता होने लगी। बेटी की तलाश में वे जंगल में गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि उमा देवदार के एक पेड़ के नीचे खड़ी खड़ी रो रही है। बेटी को रोता हुआ देखकर भवानी दत्त ने घबरा कर पूछा, उमा बिटिया क्या हुआ तुझे? उमा देवदार का तना दिखाते हुए बोली, बाबू एक जंगली हाथी ने अपनी पीठ खुजलाते हुए इस पेड़ की छाल उतार दी। इसे कितना दर्द हो रहा होगा। देवदार के प्रति बेटी का स्नेह देखकर भवानी दत्त का हृदय करुणा से भर उठा। वे सोचने लगे कि इस मेरी नन्ही सी बेटी का हृदय कितना विशाल है जो पेड़ों के प्रति इतना ममतामयी है। कहा जाता है कि नन्ही उमा ही अगले जन्म में हिमालय की पुत्री उमा बनी। शिवजी से जब उसका विवाह हुआ तो उन्होंने अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर हिमालय में उगने वाले इन देवदार वृक्षों को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं कि शिव पार्वती इन देवदार वृक्षों से पुत्रवत स्नेह करते हैं और उनकी ममतामयी दृष्टि आज भी देवदार वृक्षों पर बनी हुई है। हिमालय के जंगलों में वन देवी स्वयं सिरिसृप यानी रेंगने वाले जीव जंतुओं और वनाग्नि यानी पेड़ों की रगड़ से जंगल में लगने वाली अग्नि से देवदार वृक्षों की रक्षा करती है। ये थी लोक कथा। फिर मिलेंगे किसी नई कथा या कहानी के साथ। नमस्कार।